Assalamualaikum viewers, welcome back to my channel with another very informative video for you people, especially for the people those have passed their life skills A1 test. People haven't yet passed their life skills A1 test, this video will also help them. Okay, video hamari kya hai? Video hai TB test kaise book kiya jata hai. ठीक है, पहले होता था कि कॉल पे आपको टीबी टेस्ट अपॉइंटमेंट मिल जाती थी, बिकॉज़ आपके वीज़ा की एक बहुत इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट्स में से एक टीबी टेस्ट भी है. पहले आपने लाइफ स्किल्स A1 पास करना होता है, देन आफ्टर यू नीड टू पास योर लाइफ सॉरी यूके टीबी टेस्ट. अब सेंटर्स की बात हो जाए तो पाकिस्तान में इसके 4 सेंटर्स हैं, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद एंड देन मीरपुर आज़ाद कश्मीर. 4 सेंटर्स हैं. आपके पास कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए तो आप टीबी टेस्ट अप्लाई कर सकते हो, पहले तो वो बात कर लेते हैं. ठीक है, आपके पास आपका पासपोर्ट होना चाहिए, आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ सेंड करनी है. ठीक है, नंबर 1 पे पहले मैं आपको बता दूं, पहले नंबर पे आप ये तो एक ईमेल के थ्रू जो है ना टीबी टेस्ट की अपॉइंटमेंट होती है. ईमेल एड्रेस जिस पे आपने ईमेल सेंड करनी है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. ठीक है, जिससे आपको आपकी अपॉइंटमेंट मिलेगी. ठीक है, वो डिस्क्रिप्शन में पड़ी होगी. आपने उस ईमेल का फॉर्मेट बनाना है, 9 लाइंस में आपने वो जो है ना ईमेल लिखनी है. सबसे पहले आपने लिखना है लोकेशन. ओके, पहली चीज़ जो होगी लोकेशन, और आपने आगे लिखनी है जिस सिटी में आप टेस्ट देना चाह रहे हैं. ठीक है, मीरपुर में देना चाह रहे हैं, लाहौर में, इस्लामाबाद में या फिर कराची में. ठीक है, सबसे पहले लोकेशन लिखना है और उसके आगे आपने सिटी का नाम लिखना है जिधर इन चारों में से आप टेस्ट देना चाह रहे हैं टीबी टेस्ट. ठीक है, जो आपके करीब है. दूसरे नंबर पर आपने लिखना है वीज़ा टाइप. वीज़ा टाइप लिख के उसके आगे फिर आप ने वीज़ा की टाइप लिखनी है, स्टूडेंट वीज़ा है या फिर यूके स्पाउस वीज़ा है, सेटलमेंट है, जो भी है. ठीक है, आपने वो लिखना है. फिर उसके बाद आ जाएगा नेम. आपने अपना वही नाम लिखना है जो कि आपके पासपोर्ट पे जो स्पेलिंग्स लिखे हुए. ठीक है, करेक्ट नेम लिखना है अपना, नेम उसके आगे फिर नाम लिखना अपना. नंबर 4 पे आ जाएगा डेट ऑफ बर्थ. आपकी डेट ऑफ बर्थ आपने लिखना है नंबर 4 पे, डेट ऑफ बर्थ, और उसके आगे आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है. ठीक है, फिर आ जाएगा ईमेल एड्रेस. अब आपने लिखना है नंबर 5 पे ईमेल एड्रेस, और उसके आगे आपने ईमेल एड्रेस अपना लिखना है. ठीक है, नंबर 6 कॉन्टैक्ट, पाकिस्तानी कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर. ठीक है, आपने लिखना मोबाइल, पाकिस्तानी मोबाइल नंबर. ओके, पाकिस्तान कॉन्टैक्ट इन पाकिस्तान. ठीक है, जो भी आपने लिखना है नंबर 7 पे, और आगे आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिख देना है. नंबर 8 यूके एड्रेस. ओके, आपने यूके एड्रेस लिखना है नंबर 8 पे, और उसके आगे आपने यूके का एड्रेस लिखना है जो आपके हस्बैंड के घर का एड्रेस है या आपकी वाइफ जो भी हैं आप. ठीक है, जो भी आपके स्पाउस का जो है एड्रेस है वो आपने लिखना है. देन नंबर 9 यूके कॉन्टैक्ट, यूके कॉन्टैक्ट लिख के उसके आगे आपने यूके का जो आपके हस्बैंड या वाइफ का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो लिखना है. और इसको इस ईमेल को आपने सब्जेक्ट देना है टू बुक माय यूके टीबी टेस्ट अपॉइंटमेंट फॉर माय, हाँ ये तो शुरू में लिख दिया आपने, टू बुक यूके टीबी टेस्ट अपॉइंटमेंट फॉर माईसेल्फ. याद रखें, जो लोग अपने ईमेल एड्रेस से ईमेल भेजते हैं उनको जल्दी जवाब मिलता है. ठीक है, यानी कि आपके भाई अगर लिख, भाई की ईमेल एड्रेस से आप अगर ये ईमेल सेंड कर रहे हैं
हो सकता है आपको 3-4 दिन बाद जो है ना रिस्पॉन्स आए। मगर अगर आप अपने ईमेल एड्रेस से जिस पे आपकी अपनी डेट ऑफ बर्थ और नाम वगैरह है तो उससे आप कर रहे हैं तो आपको जल्दी जो है ना जवाब आ जाता है। ये मैंने एक्सपीरियंस किया इस चीज़ को, ठीक है। ये आपने किस ईमेल एड्रेस पे सेंड करना है वो ईमेल एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और वीडियो में भी मैं चला दूंगा, ठीक है। होप सो ये वीडियो आपको बहुत फ़ायदा देगी। मुझे पता है जो स्टूडेंट्स पास कर चुके हैं जिन्होंने अभी वीज़ा अप्लाई करना है वो किसी ना किसी को पैसे देते रहेंगे, तो ये एक ईमेल सेंड करनी होती है। मैंने कहा चले आज ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों से मैं शेयर कर दूँ, ठीक है। आते हैं फिर एक और वीडियो के साथ इंशाल्लाह सूनर। टिल देन अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।